गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बलवंत स्टडी पॉइंट टेक्निकल में स्वागत है। अभी अभी हमने पिछले प्रैक्टिकल में किया था डीसी संट मोटर का कनेक्शन किए, कनेक्शन करके चलाएं, तो फिर अभी इसके बाद कनेक्शन करके तो चला दिए, लेकिन डीसी मोटर को कहीं कहीं हमें स्पीड कम बेसी की भी आवश्यकता होती है। तो कम बेसी या मतलब कि स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना, तो स्पीड को कम बेसी करने के लिए कैसे कनेक्शन करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, फिर अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हमें आज का ये प्रैक्टिकल है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाई फील्ड कंट्रोल मीटर। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, कितने विधि से करते हैं और कौन सा मोटर को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि शंट मोटर और कंपाउंड मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की दो विधियां हैं, एक है आर्मेचर कंट्रोल मीटर और दूसरा है फील्ड कंट्रोल मीटर। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल जो करेंगे आर्मेचर कंट्रोल मीटर, यानी कि शंट मोटर का आर्मेचर कंट्रोल मीटर, ठीक है। तो जॉब नेम क्या हो जाएगा, जॉब नेम होगा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, बाई आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो एम कहिए या जॉब कहिए या उद्देश्य कहिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें क्या जॉब नेम है, स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाई आर्मेचर कंट्रोल मेथड, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए सर्किट डायग्राम चाहिए। तो सर्किट डायग्राम, ये कोई भी मोटर को चलाने के लिए हमें स्टार्टर चाहिए। तो यहाँ शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर, तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता होता है या 4 पॉइंट भी। तो अभी हम लोग ये 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा काम करें, कनेक्शन करेंगे। जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर में यहाँ एक एल टर्मिनल होता है, ये एफ टर्मिनल होता है और ये ए टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें एक मोटर चाहिए। तो मोटर में एक फील्ड वाइंडिंग रहता है और एक आर्मेचर रहता है। तो ये इस तरह से हम लोग कनेक्शन डायग्राम में सिंबल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल आर्मेचर का हो गया और ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, इसको FSH कहते हैं। और इसको कनेक्शन करने के लिए हमें ये दो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगा। यहाँ ये क्या है, डीसी सप्लाई, और ये डीसी सप्लाई हमें 230 वोल्ट या 250 वोल्ट या 220 वोल्ट, यानी कि जितना डीसी सप्लाई मिले उस पे ये हमारा डीसी मोटर जो है 220 वोल्ट सप्लाई पे चलेगा। तो अब इसके लिए कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन करने के लिए अभी हम लोग ये दोनों को क्या कर देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं दोनों को आपस में, एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का दोनों टर्मिनल जोड़ करके और यहाँ से एक सप्लाई के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। अब रही बात, यहाँ हमें क्या करना है, आर्मेचर कंट्रोल। तो बस सीरीज से कनेक्शन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आर्मेचर के सीरीज में क्या जोड़ देते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से, और ये कनेक्शन। और यदि जो हमें करंट मापना होगा तो इसमें एक एमीटर भी प्रयोग कर देंगे इस तरह से, ये हो गया। तो इस तरह से हमें ये कनेक्शन, और ये जो एफ है ये आर्मेचर स्टार्टर के एफ टर्मिनल से, और ये जो है ये सीधा सप्लाई के लिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस तरह से हमें ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड का सर्किट डायग्राम बना, ठीक है। तो शायद ये सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से यहाँ और सर्किट डायग्राम एक और फेस बना देता हूँ। ये है स्टार्टर, एल, एफ और ए। तो यहाँ आर्मेचर हो गया और एक ये शंट फील्ड हो जाएगा। आर्मेचर का ये टर्मिनल स्टार्टर, ये क्या बोलते हैं, स्टार्टर, ठीक है। और ये एल टर्मिनल हो जाएगा, ये एफ हो गया। तो एल सीधे हमारा सप्लाई से निकल जाएगा और एक सप्लाई के जो आएगा वो ये दोनों टर्मिनल को जोड़ करके और यहाँ से ये निकाल देते हैं, ठीक है। और
अभी हम लोग करना क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि आर्मेचर के सीरीज में हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और इसमें यदि जो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके मापने के लिए डीसी एमीटर प्रयोग कर देंगे, और इसका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिक्स रेजिस्टेंस नहीं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ करके, और ये एक टर्मिनल है स्टार्टर का, स्टार्टर के एक टर्मिनल से ये शंट फील्ड का जोड़ देते हैं, और इस तरह से हमें यहाँ एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और ये क्या होगा डीसी सप्लाई, और ये डीसी सप्लाई 220 वोल्ट। तो अब इसमें स्पीड कंट्रोल होता कैसे ये देखेंगे हम लोग। तो स्पीड कंट्रोल कहता है कि ये हमारा जो होगा एन, यानी कि स्पीड को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं, ठीक है। तो एन क्या है, एन समानुपाती ईवी बटा फाई कहता है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, एन समानुपाती ईवी बटा फाई है। तो अब ईवी बटा फाई का क्या है, इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि जब आर्मेचर में सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का मई भी मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज का मान उतना ही होता है, और रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, यदि जो वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया तो उसमें फ्लो करने वाली करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जब करंट का मान आई का मान कम होगा तो फ्लक्स का भी मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और फ्लक्स का मान कम होगा तो फिर स्पीड भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान कम होगा तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ जो है ईवी जब आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो बैक ईएमएफ नहीं करंट का मान कम होगा तो बैक ईएमएफ का भी मान कम हो जाएगा, करंट का मान कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ने वाली धाराएं का मान ये एमीटर जो होगा कम बताएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एमीटर कम होते जाएगा, एमीटर कम होगा तो बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा, तो बैक ईएमएफ कम होगा तो अभी जो है ये एन समानुपाती ईवी है, तो बैक ईएमएफ कम होगा तो स्पीड भी हमारा क्या होगा, कम मिलेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं उस तरह से हमारा स्पीड कम मिलते जाता है। तो कहने का मतलब ये जो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो है सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने के लिए हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद कनेक्शन ये जो है सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करके हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ये आर्मेचर कंट्रोल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।